के बाद। मुंबई में आए दिन नाबालिग लड़कों के स्टंट करने के चक्कर में मौत होने या घायल होने की खबरें आती रहती हैं। इसी को देखते हुए जीआरपी ने खास अभियान शुरू किया, जिसके तहत स्टंट करते कुल 113 लड़कों को पकड़ा जा चुका है। इनमें से ज्यादातर नाबालिग हैं। पटरी पर लेटे वो तीन लड़के तो बच गए, पर हर बार स्टंट करने वालों का भाग्य उनका साथ नहीं देता। पिछले महीने आई इन तस्वीरों को देखिए। एक पैर हवा में, एक ट्रेन के अंदर, रास्ते में पड़ते हर खंबे को छूने की कोशिश। इसी एडवेंचर के लिए कुछ देर बाद हमेशा के लिए शांत हो गया ये लड़का। 15 साल का सैयद मोहसिन अपनी बहन की शादी के लिए खरीदारी करने घर से निकला था। मुंब्रा से थाने के लिए उसने लोकल ट्रेन पकड़ी थी। रोज की तरह मोहसिन ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर स्टंट करने लगा। कुछ ही देर में मोहसिन की खंबे से टक्कर हुई और वो पूरी रफ्तार से जा रही लोकल से सीधे नीचे गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने से पहले ही 15 साल के मोहसिन की मौत हो गई। इस स्टंटबाजी का पीछे से एक युवक अपने मोबाइल पर वीडियो बना रहा था, जिसे उसने बाद में फेसबुक पर अपलोड कर दिया। ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें मुंबई की लोकल में सफर करने वालों ने पहले भी बहुत बार देखी हैं। इसी को देखते हुए 26 अगस्त से जीआरपी ने एक विशेष ड्राइव शुरू की है, जिसमें लोकल में स्टंट करते हुए 113 लोगों को पकड़ा है। इनमें से ज्यादातर नाबालिग हैं। इस तरह की गतिविधियां अपने को खतरे में डालने के जैसा है, जोखिम में डालने जैसा है, और जो खास करके जो यंग बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, जो कि केवल थ्रिल के लिए जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं वो ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। जीआरपी ने लड़कों के माँ बाप को भी थाने बुलाया और उन्हें इन पर नजर रखने की हिदायत दी। ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए रेलवे को लोकल में निगरानी बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही मुसाफिरों को चाहिए कि जानलेवा करतब करने वाले लड़कों को मिलकर कड़ाई से रोकने की कोशिश करें। कम उम्र के नौजवानों को सही रास्ते पर लाना सबकी साझा जिम्मेदारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नौजवान अपनी जिंदगी की कीमत को समझेंगे और स्टंट के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। दिवाकर सिंह, मुंबई आज तक। मुंबई में लोकल की पटरियों पर लड़के स्टंट के नाम पर किस कदर अपनी जान से खेल रहे हैं, इसकी दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। मोबाइल फोन से ली गई तस्वीर में कैद हर लम्हा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन तस्वीरों में से कुछ लड़के पटरियों पर लेते हैं और उनके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। ए, चले 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 चालू किया ना। ये तीनों एक बेहद खतरनाक स्टंट करने जा रहे हैं। एक फिर पकड़ा जाए, वैसा कोई काम मत आजे, स्टेट कर स्टेट। इन्हें पता है कि कुछ ही पलों में इस पटरी के ऊपर से ट्रेन गुजरने वाली है, लेकिन ये पटरी से भाग नहीं रहे बल्कि इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन के आने पर भी ये ऐसे ही लेटे रहेंगे। आ रहा है। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। आया 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 आया, हाथ में आया, हाथ में आया। ट्रेन पटरी से गुजर रही है, तीनों लड़के अपनी जगह से नहीं हिले। जीआरपी के हाथ ये वीडियो लगा तो उनकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। जीआरपी ने काफी कोशिश की, लेकिन अब तक इस स्टंट को कर रहे लड़कों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। जीआरपी के मुताबिक ये सभी लड़के नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 13 से 16 साल के बीच है। इस स्टंट को करते तो ये लड़के बच गए, लेकिन क्या जरूरत थी इन लड़कों को अपनी जान को खतरे में डाल ये स्टंट अंजाम देने की। इस जानलेवा रोमांच के लिए उन्होंने अपनी कीमती जिंदगी को मौत के सामने बिछा दिया। जीआरपी की लोगों से अपील है कि अगर इन लड़कों के बारे में कोई जानकारी हो तो उनसे संपर्क करें। दिवाकर सिंह, मुंबई आज तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुराना सपना जल्द ही पूरा हो सकता है। सपना